पड़ताल प्रश्न मुद्दे बीएसएनएल संयुक्त फोरम मुजब कारेली बाग जीएमटीटी ऑफिस खाते कर्मचारियों द्वारा मानव साकड़ बनावामां आवी हती। त्रीजे पगार सुधारणा कर्मचारियों माटे नवी प्रमोशन पॉलिसी बीएसएनएल नेटवर्क ने 4G 5G में जोड़ावामां आवे तेवी विविध मांगणीओ मामले वडोदरानी कारेली बाग जीएमटीटी ऑफिस खाते कर्मचारियों द्वारा मानव साकड़ बनावी विरोध करवामां आव्यो हतो, जेमां 150 जेटला कर्मचारियों बेनर प्लेकार्ड साथे जोड़ाया हता। हमारा ऑल इंडिया का प्रोग्राम है, दिल्ली अर्थ से आदेश आया हुआ है ह्यूमन चेन का, आज यहाँ प्रोग्राम रखा गया है जो कि बीएसएनएल के कर्मचारियों को पहला हमारा आइटम है 3rd PRC हम लोगों को 8 दिन तक अभी नहीं मिला। दूसरे जितने PSUs हैं सबको लगभग मिला है, बीएसएनएल को नहीं मिलता जा रहा है। दूसरा आइटम हमारा है कि 4G 5G हमको गवर्नमेंट बोलती है आप जो कंपटीशन कीजिए, कंपटीशन किस आधार पे हम लोग करेंगे, हमारा 3G आज चल रहा है, लोग 4G 5G और 6G के चक्कर में चल रहे हैं उन लोगों का, उनके साथ हम कैसे कंपटीशन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हमारा है कि हमारे जो ग्रुप्स ई के एम्प्लॉय जितने हैं, ग्रुप सी या डी की किसी की बात ले लीजिए, यानी PPP अगर उनका हो जाता है तो आज जितने ग्रुप डी के एम्प्लॉयज हैं सबका तो क्या नाम से डिस्टिंगेशन हो गया है, उनकी पगार वहीं पे बंद हो गई है। अगर उनका प्रमोशन पॉलिसी नहीं लागू हो जाती है तो उनका सबका स्टेग्नेशन जो है वो निकल जाएगा। इस हिसाब से कुछ न कुछ उनका जो 10 साल से वो लोग स्टेग्नेशन के शिकार हुए हैं तो वो लोग उस तरीके से उनका थोड़ा थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। गवर्नमेंट न PRC दे रही है, न 4G 5G दे रही है, न गौर कर्मचारियों के बारे में सोच रही है, इसलिए अल्लाह छुटके हम लोग आज यहाँ ह्यूमन चेन का प्रोग्राम आज हम लोगों ने बनाया है कि ये गवर्नमेंट तो नहीं सुन रही, कम से कम इस चीज़ का पब्लिक में हम लोगों को आना चाहिए। और पब्लिक अगर गवर्नमेंट के साथ में बैठ करके विशेष हमारा कराएगी तो हम लोगों को मिलेंगे, दूसरों को दे दे रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है, गवर्नमेंट हर जगह करके चली जा रही है। इसलिए ये आदेश हमारा ऑल इंडिया का है, दिल्ली का आदेश है, वहाँ हम लोगों ने ये प्रोग्राम हम लोगों ने किया। लगभग 200 कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी, सर्विंग एम्प्लॉय इसमें सब शामिल हुए हैं। अगला आदेश जो हमारा आएगा हम लोग इसको जो है लड़क कंटिन्यू रखेंगे और हम लोगों का ये प्रोग्राम जब तक हमारे पूर्ण हमारे जो जितने डिमांड हैं पूरी नहीं होगी तब तक हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा।